डिस्क्लेमर आपको दिखाने वाला हूँ। ये IPX7 वॉशेबल बॉडी है और इसमें आपको मिनिमम 40 लेंथ सेटिंग रहेगा और सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड है, आपको 90 मिनट तक चलेगा। इसका अनबॉक्सिंग करके मैं दिखा रहा हूँ। ये अलग अलग ब्लेड है, इस वायर है और यूजर मैनुअल है, इसके साथ कवर आया हुआ है और आपको प्रॉपर पूरा जो मतलब एक ब्लेड है उसको आप वॉश भी कर सकते हो। और दूसरा है यूजर मैनुअल गाइड है, आप उसका पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हो पूरा डिटेल के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इसका अच्छा है हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट टेक्नो गाइड यूट्यूब चैनल में आप देख ही रहे हैं कि मैं आपको MI का बियर्ड ट्रिमर है जो उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है, वो आपको ऑलरेडी मैंने दिखा दिया था। MI का ट्रिमर में जो ऑलरेडी है आप देख सकते हैं, USB पोर्ट दिया आया है और फिर बाद में इस तरह का केबल जो मिला है आप देख सकते हो। और इसके इसमें आप जो है ये वाला भी यूज कर सकते हैं आप। और एक पावर बैंक है, पावर बैंक के थ्रू आप भी लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं पावर बैंक के थ्रू आप इसको आप चार्ज भी कर सकते हो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। और आपको इसमें टाइमिंग ये है, यदि टाइम आप 5 मिनट के अंदर आप वैसे ही रखते हो, आप चालू मतलब बैटरी भी नहीं रहता है इसका, और पावर बैंक आप लगा कर भी आप यूज कर सकते हैं आप इस तरह का, मतलब अच्छा है। और अभी अभी निकाल दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें क्या है कि इसका आप देख सकते हैं, इसका वाटर प्रूफ भी है और एकदम जो है आप IPX7 जो है एकदम 5 वोल्ट का ही दिया हुआ है। लेकिन MI का ये थोड़ा कहना पड़ेगा, और ये मतलब कि चार्जर दे देते थोड़ा और अच्छा रहता, लेकिन जो भी आज के समय के हिसाब से ये जो केबल जो USB केबल होना चाहिए, लेकिन ये वाला दे देते MI वाला तो थोड़ा बेहतरीन होता इस तरह का है। और इसमें जो आप मैं बताऊँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि थोड़ा हीटिंग होता है प्रॉब्लम, और थोड़ा जब आप ट्रिमर जब करते हो तब आपको थोड़ा लगता है इसके अंदर है। जो मैंने अमेजोन से मंगवाया था आप इसमें देख सकते हो, जो प्राइस है वो 1499 का है, मतलब 1400, 1450, मतलब 1500 का ही अप्रोक्सीमेट है, बट इसको आपको 1455 में आपको ऑनलाइन में मिलेगा प्राइस, ऐसा है। अमेजोन से मैंने मंगवाया था, ऐसा है। मैं करीबन इसको 2-3 महीने से यूज किया हुआ है, तो मेरे को देखा मैंने किस तरह का है, लेकिन ये अच्छा है बाकी कंपैरिजन में। बाकी दूसरा मैंने ऑलरेडी फिलिप्स का यूज करता था, उसके कंपेयर में ये वाला थोड़ा कंफर्ट है। और ये आप देख सकते हैं कि आप किस तरह का है, आपको थोड़ा जेन्युइन वजन लगता है और कम्फर्टेबल है। क्योंकि मेरा तो फ्रेंड से था कि भाई जब आप ट्रिमर इस तरह से करते हो तो मतलब ट्रिमर यहाँ से आप करोगे आप ऊपर से और फिर बाद में आपको यहाँ से हाथ पकड़ने में थोड़ा ये ऊपर से ऐसा लाता है, तो मेरा हिसाब से ये वाला थोड़ा आगे रहता है, थोड़ा और अच्छा रहता है, जिससे ये वाला जो स्विच है जब पानी बिकता है तभी दिक्कत ना हुआ है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस तरह का। फिर बाद में आप जिस तरह से ये वाला सेटिंग है आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जिस तरह से किस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप कितने भी आप सेटिंग है, जो भी आप सेटिंग में रखना चाहते हो आप सेटिंग रख सकते हैं। और आपको चार्जर है, चार्जर में भी आप लगा कर से आप देख सकते हो फ्रेंड्स, चार्जर में भी आप लगा के आप इसमें यूज कर सकते हैं इसके अंदर, इस तरह का है, एकदम सिंपल वाला है। और मिनिमम आपको 5 मिनट चार्जिंग रखोगे तो मिनिमम आपको 10 मिनट चार्ज देगा, ऐसा है। और फिर बाद में आप मतलब इसमें दूसरा ये भी है, इसमें ट्रैवल लॉक भी दिया हुआ है, आप 3 सेकंड का आपको प्रेस करना है फिर आपको छोड़ देना है, ऐसा। और आप देख सको जब आप चार्जिंग होगा, जब चार्जिंग पावर बैंक से चार्जिंग होगा तब आपको यहाँ पर इस तरह का दिखेगा। आपको मैं जरा दिखा देता हूँ, फिर भी इस तरह का जो लगाते हो इस तरह का यहाँ पर ये स्विच ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरह का है। और फिर बाद में आपको जब ओपन करना हो तब इसको आप यहाँ से ऊपर से निकाल सकते हो, ये जो मोटर है आप देख सकते हो, जब स्विच ऑन करोगे तब ये घूमेगा, ये वाटर प्रूफ है बिल्कुल, इस तरह का है आप देख सकते हो। फिर आपको फिट करना हो यहाँ पर फिट कर सकते हो आप इजीली, ठीक है, यही है फ्रेंड्स। और थोड़ा हीटिंग आदि का थोड़ा प्रॉब्लम इश्यू आदि हो रहा है, बस यही है। और फिर बाद में जब आपको यहाँ पर मतलब जब ये थोड़ा यूज हो जाता है तो इसको यहाँ पर 3 सेकंड तक प्रेस करना है, जो हो रहा है इसको रख देना है। और फिर बाद में यहाँ पर अंदर आपको जब भी आप ट्रैवलिंग में जाते हैं 3 सेकंड तक छोड़ देना है, तो फिर बाद में आप यहाँ पर ऐसे भी कर लोगे, तो फिर बाद में आप कुछ भी ऐसा हो प्रेस दिख रहे हैं आप, मैं प्रेस कर रहा हूँ फिर भी अभी कुछ नहीं होगा, चालू भी नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रैवल लॉक किया हुआ है, ऐसा है। फिर बाद में आप निकाल करके
इसको फिर बाद में आपको 3 सेकंड तक ऐसा करके छोड़ देना है, फिर बाद में आपको देख सकते हैं कि स्टार्ट हो जाएगा इस तरह का है। और अभी अच्छा फ्यूचर है कि इसका ट्रैवल लॉक आप दिया है, कहीं भी ऑटोमेटिक चालू नहीं, आप किसी के ऊपर आप इसको प्रेस हो जाता है जिससे आपको स्टार्ट, जनरली आप देख सकते हैं यहाँ पर आप प्रेस करें तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर 3 सेकंड का आपको रब करे हो तो फिर आप प्रेस करो, प्रेस होगा तो भी स्टार्ट नहीं होता है, ये मतलब अच्छा है। मैं आपको इसका एंगल भी दिखा रहा हूँ और इसके साथ जो आप देख रहे हो कि वॉइस भी एकदम नॉर्मल सा है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। और इसका साइनिंग और डिज़ाइनिंग भी अच्छा है, MI का लोगो है और जो मी का है। और इसका आप ओपन करोगे देख रहे हो तो मोटर किस तरह का दिख रहा होगा, एग्जैक्ट आपको आइडिया मिल रहा होगा। और इसका प्रीमियम क्वालिटी अच्छा है और अलग अलग लुक दिए हुए हैं। और आप शार्पनिंग ब्लेड है और उसमें जिस तरह से अलग अलग सेट करके आप अच्छी तरह से कर सकते हो। और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ किस तरह से होता है, 0, 1 और 2 का अलग अलग तरह के मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख रहे हो वॉइस में अभी मैं नीचे गाल के से ऊपर का थोड़ा पोर्शन जो है वो अभी मैं कट कर रहा हूँ। आप देख रहे हो कि किस तरह से हो रहा है, एकदम जीरो लेवल के अंदर पूरा एकदम जो भी है आपके दाढ़ी के जो भी बाल है वो एकदम आपके क्लीन हो जा रहे हैं। आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल ही रहा होगा और एकदम क्लीन हो गया है। अभी आप देख रहे हो मेरा गले का नीचे का पूरा साफ हो गया है। और अभी जो है वो पोर्शन एकदम जीरो पर मैंने किया हुआ है, जो नीचे का जो पोर्शन था आप दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो जीरो वाला है और दूसरे एक साइड है 1 और दूसरे साइड पर अभी 2 पर अभी मैं ट्रिम करूँगा और किस तरह का होता है वो देखते हैं हम लोग। अभी जो मैं कर रहा हूँ जो नीचे का था वो बताया था जीरो था और दूसरी साइड था, अभी 2 नंबर का कर रहा हूँ। आपको दिख रहे आप सेटिंग मैंने 2 का किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अभी मैं इसे ट्रिम कर रहा हूँ, आप देख रहे हो कि सेविंग का किस तरह का एकदम हो रहा है। और इसका जो एकदम अच्छी तरह से हो जाता है और एकदम एक्सेप्शनल कार्ड एज है, डिज़ाइन और परफेक्ट इसका ग्रिप भी है अच्छी तरह से है। और इसका आप देख सकते हैं कि ड्यूअल कोडेड और कोडलेस यूजर्स भी है और आप इसका IPX7 वाटरप्रूफ भी है। और दूसरी साइड जो है राइट साइड का 3 नंबर का मैं अभी कर रहा हूँ अभी जो है वो, और 3 नंबर का भी हो रहा है कि इसका भी मैं सेटिंग करके देखता हूँ कि 3 नंबर का जो देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको एकदम क्लीन कटिंग हो गया है अभी। ये 3 नंबर का है और नीचे 0 का है, ऊपर 2 का है। बीच में 4 का था। आपको जो जितना भी नंबर का करना हो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आपको जस्ट डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह का एग्जिट आपको मिलता है। और इसमें भी जो भी इसकी स्टील की जो ब्लेड है वो एकदम काफ़ी सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड है और आप इसका परफेक्शन भी अच्छा है और एकदम प्रीमियम क्वालिटी है और लॉन्ग टर्म भी चलता है। मिनिमम आपके 2 घंटे के अंदर आपका जो है चार्जिंग 90 घंटे का कंपनी जो बोलती है ऐसा है। और बेहतरीन ढंग से आप देख रहे होगे कि मेरा जो एकदम जो है वो अलग अलग नंबर पर मैंने किया हुआ था, 0 के किया हुआ 2, 3 और 4 आप देख रहे हो पूरा एकदम क्लीन हो चुका है। आपको दिखाई दे रहा होगा 0, 2 और 3 और बीच में जो था वो 4 का सेटिंग किया हुआ है मैंने इस तरह का। आप देख रहे हो एकदम क्लीन एकदम शार्पनर एकदम माचो मैन बन गया है, एकदम अच्छी तरह से हो गया है। और अभी आपको जिस तरह से एकदम मेरा रेडी हो गया है तो उसके बाद में आपको मतलब कि हेयर जो भी रहते ट्रिमर के अंदर से आपको जो पिन जो मिलती है जो उसके जो आप निकाल करके
और फिर आप इसको ब्रश टाइप का, जैसा छोटा सा ब्रश रहता है उसके थ्रू आप इसको हेयर जो भी है इसको रिमूव करके आप इसको वॉश कर सकते हैं, अदरवाइज इसको साफ भी कर सकते हो अच्छी तरह से। और आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि इसको ओपन भी किस तरह से करना है और बेहतर ढंग से आपको यूज़ कर सकते हो। आपको अंदर का जो भी कुछ प्रॉब्लम या जो भी कुछ है वो सब आपको निकाल देना का है। आपको देख रहे हो अभी हेयर दिख रहा है पूरा एकदम क्लीन हो चुका है। मैं अभी वाटर से अभी धोऊंगा, आप देख रहे हो कि पानी से एकदम धो रहा हूँ, एकदम वाटर प्रूफ है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नहाते समय पूरा पीछे से इसको नहीं रखना, जिससे सॉकेट खराब हो जाता है। इतना आगे का पोर्शन जितना जरूरी है वही इसका थोड़ा यूज़ करना। आप देख रहे हो मोटर कितना घूम रहा है, वाटर प्रूफ है और आपको इजीली है। और लेकिन मेन है वो है पीछे पानी को टच नहीं करवाना है, बेस मेन वही ध्यान रखना है। बाकी आगे को थोड़ा पानी टच करवाओगे तो दिक्कत की बात नहीं है। आप देख रहे हो ब्लेड भी साफ हो गया है, अंदर का जो मोटर था उसका भी हो गया है, देख रहे हो। और अभी जब साफ हो जाता है तो इसको अभी फिटिंग किस तरह से किया जाएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे से ओपन जैसा दिखा हुआ है वहाँ से ओपन करना है और पीछे से फिर इसको लगा के इसको लॉक कर देना है, तो इससे आपका ऑन और ऑफ हो जाएगा दोनों। अभी देख रहे हैं आप ओपन हुआ और पीछे से आपको लगाने का है सेटिंग, जिससे आपका ऑफ भी हो जाएगा, दोनों तरह से आपको अच्छी तरह से मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आई थिंक अंदाज़ा लग भी गया होगा कि ये किस तरह का एकदम क्वालिटी अच्छा है। और आपको जिस तरह से दिख रहा है ओवर यू मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।